प्रचार करते नहीं थक रहे फालाकाटा विधानसभा केंद्र के तृणमूल उम्मीदवार सुभाष रॉय। वे पूरे दिन क्षेत्र के एक कोने से दूसरे कोने तक सार्वजनिक संपर्क बढ़ाने के लिए दिन और रात लगे हुए हैं। इसी बीच आज जटेश्वर बाजार क्षेत्र के पारंपरिक शिव चतुर्दशी मेले में उन्होंने भाग लिया, जहां काफी संख्या में लोग जुटे थे। उन्होंने इस 15 दिवसीय मेले में लोगों से बातचीत भी की। ऐतिह्यवाही मेला दियाज आ सब चे शिव चतुर्दशी मेल कई दिन धरे मेला है आस्ते आस्ते बर्तमान परिस्थिति भय परिस्थिति मध्य उठे आस सत्यारे आज के मेल खूब भलो लगे जेटा नतून को शैशव खुजे पेल जे हमें जो छोटो तक जो मेल एत आनंद मैंने मत आकाशे हमें घूरतम से दिन आज के एत सुंदर लगे मेलार जे छोटो बलकार पूरा मन पड़े हमें छोटो बलार आसतम से हिसाब ये खूब भलो लगे और सर्वोपरि एक मेलार माध्यम से मिलन माना एट सवार साथ पुरो दिन लोक जो नतून कर पावा जाए एक आनंद और सब हमारे जो उत्तरबंगे विशेषकर जो बोली सब कृष्टि कलचार ये हमारे पुरो दिन ये अनेकटाई हारिए जावर दिखे केंद्र सब किचु कमे गो एन जो जटेश्वर दीर्घदिन एबारों से रकम पर हे लोके उत्सव अनेक दिन पर हम कैक मास पर ये खोला मिले मेशार एट आज के परिवार नहीं छोटो छोटो ऐले मेरे नहीं जे घूरा देखल मेला एस एन अनेक रात हो तबुओ एखे अनेक परिवार छोटो ऐले मेरे लिए मेला करसलम हमें कोचार के सर एखे आसलम जो ना एक ढुकी एक किचु लोकर सी देखा साक्षात करी एखे हमें जटेश्वर मान अंचल सभापति पंकज राय आज जुब जिलार साधारण सम्पादक देवजीत पाल आवे ऐला आम सरकार देखार जो आसलम भलो लगल एवं ये हमें जे एक मेलार मध्यमे सम्प्रीति बजाय थके अपर जे एक आंतरिकता भ्रतृत्वोध आर नतून को एक गाढ़ोतर है मेलार माध्यम ये पाई सवार देखा साक्षात है ना क्योंकि मेलार मध्य मिलनस्थल हो उठे एवं पुरो दिन बंधु बान्धव एखे इसे आसार पर पुरो दिन अनेक बंधु बान्धव परिचित लोक देखा साक्षात हलो खूब भलो लगल सर्वोपरि ये छोटो बलार कथा मन पड़े और एखानकार जो पुरो इतिहास से नतून को मन पड़े ये भलो देखा चाहब जे अत एलकार मानुष सबाई भलो थकु सुस्थक এবং আগামী দিনে আমাদের যে এই যে সংস্কৃতিগুলো সেটা যাতে হারিয়ে না যায় সেটা একটু আরও যাতে বেশি করে আবার পরিস্থিতির আবার আমি বলবো যে জলেশ্বর মেলার এখানে সেক্রেটারি দেবজিৎ পাল যে এটা যে এই মতো অবস্থার মধ্যে থেকে করছে এটা ভালো আগামী দিনে আমরা আরও সুস্থ পরিবেশে আরও ভালো করে যাতে মেলাটাকে আরও মানুষের যাতে আরও আনন্দ উপভোগ করতে পারে।